नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइसोफ्लैम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लाइसोफ्लैम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लाइसोफ्लैम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लाइसोफ्लैम टैबलेट का उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो लाइसोफ्लैम टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। इसके अलावा लाइसोफ्लैम टैबलेट का उपयोग सिर दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में लाइसोफ्लैम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द और जोड़ों की सूजन को कम करने के लिए भी लाइसोफ्लैम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइसोफ्लैम टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। लाइसोफ्लैम टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर लाइसोफ्लैम टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। लाइसोफ्लैम टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना लाइसोफ्लैम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइसोफ्लैम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लाइसोफ्लैम टैबलेट के सामान्य साइड इफेक्ट्स में बदहजमी, पेट में दर्द, पेट में जलन, कब्ज, उल्टी आने का मन होना, दस्त और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या ज्यादा खुराक में लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेने से पेट में ब्लीडिंग, पेट में अल्सर या गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन होने पर पेट या आंतों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और लंबे समय तक लाइसोफ्लैम टैबलेट का सेवन करने से दिल का दौरा और लकवा लगने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आप लाइसोफ्लैम टैबलेट का सेवन कभी कभार करते हैं तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप लाइसोफ्लैम टैबलेट को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ऐसी स्थिति में लाइसोफ्लैम टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना लाइसोफ्लैम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लाइसोफ्लैम टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को लाइसोफ्लैम टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं लाइसोफ्लैम टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए लाइसोफ्लैम टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी लाइसोफ्लैम टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लाइसोफ्लैम टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लाइसोफ्लैम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लाइसोफ्लैम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।